बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में आपके पास फाइव टाइप्स यहाँ पे नजर आ रही होंगी। मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स। इनमें से जिन सेल्स में आपको ये ग्रेन्यूल से बने नजर आ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के बने हुए ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे बेसोफिल्स है, ईओसिनोफिल है और न्यूट्रोफिल्स, इन तीनों को मिलाकर एक ग्रुप में रखा जाता है, उसे कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का कल नंबर आपने पढ़ा था कि व्हाइट ब्लड सेल्स किसी भी सेल के अंदर ऑलमोस्ट ये पाए जाते हैं, सेवन बॉडी के अंदर 7,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, या इसे आप कह सकते हैं ऑन द एवरेज 7,500। बाकी अगर बात की जाए हम बाकी सेल्स की, जो दोनों सेल्स हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की, दो टाइप होती है, लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट टी, इन दोनों सेल्स को देखा जाए तो इनमें इस तरह के ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आ रहे आपको, इसलिए इनको हम पढ़ेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ये बेसिकली दो तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पहला जो आपको ग्रुप नजर आ रही है ग्रेन्यूलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। पहला डिफरेंस है न्यूक्लियस के हवाले से, कि जो ग्रेन्यूलोसाइट्स है इनका न्यूक्लियस इनकम्प्लीटली डिवाइड करता है और स्फेरिकल होता है, जबकि ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में स्फेरिकल टू लोब न्यूक्लियस, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इनका न्यूक्लियस जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनके न्यूक्लियस में लोब्स बने हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ये बायलोब्ड है, ये भी लोब्स नजर आ रहे होंगे। लोब्स कहते हैं थोड़े से पार्टीशन बनी हुई, इसमें आपको थ्री लोब्स ये न्यूक्लियस के नजर आ रहे हैं। क्योंकि इनको न्यूक्लियस की बेस पे ही फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस सेल्स। लोब्स कितने हो सकते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रेन्यूल नजर आ रहे थे टू और मल्टीपल, इसमें 1 to 2 लोब्स होंगे बस ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के। साइटोप्लाज्म इधर ग्रेन्यूलर है उधर ए ग्रेन्यूलर, फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में और इधर बोन मैरो के साथ साथ लिम्फाइड टिश्यू में भी इनकी फॉर्मेशन या मेच्योरेशन हो रही है। एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये हमने पहले भी देखा कि ग्रेन्यूलोसाइट्स की एग्जाम्पल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं, और दूसरी जो है वो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की दो एग्जाम्पल्स बस, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन्हीं के हवाले से, इन्हीं फाइव सेल्स के हवाले से फर्दर जो डिस्कशन की गई है इस कंपैरेटिव चार्ट में। जी अब्दुलरहमान साहब बोलिए बेटा। इनकम्प्लीट डिवीजन का क्या मतलब इनकम्प्लीट डिवाइडेड का मतलब है कि न्यूक्लियस इस तरह से नजर नहीं आ रहा आपको इन सेल्स में जो कंप्लीटली डिवाइडेड हो, न्यूक्लियस के दरमियान आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, मतलब सेपरेटेड नहीं है उसके लोब्स टोटली, बस इनकम्प्लीट थोड़ी सी डिवीजन है, मुकम्मल तौर पर सेपरेटेड नहीं है, लोब्स थोड़े से बने हुए साइड पे। इसके अलावा शेप ऑफ द न्यूक्लियस डिफरेंट सेल्स के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले बात की गई है न्यूट्रोफिल्स के हवाले से, न्यूट्रोफिल्स में आप देखें तो न्यूट्रोफिल्स में 2 to 5 लोब, बेसोफिल्स बायलोब न्यूक्लियस और इओसिनोफिल्स में भी बायलोब, इसको आप प्रीवियस डायग्राम में भी देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स में 2 लोब्स भी हो सकते हैं, 3 भी 4 भी और 5 भी, बेसोफिल्स में बायलोब न्यूक्लियस ये नजर आ रहा है और इओसिनोफिल्स में भी बायलोब, लेकिन इनके लोब्स की शेप थोड़ी सी आपको डिफरेंट नजर आ रही होगी जिस बेस पे इन तीनों को रिकग्नाइज किया जा सकता है। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस अगर आप देखें तो राउंड टू लोब्ड है, ये देखिए मोनोसाइट्स का स्लाइटली लोब बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप कह लें कि कम है लोब बाकी न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल बेसोफिल की निस्बत, जबकि लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस ऑलमोस्ट पूरे सेल के अंदर इसको कवर कर रहा होता है। ये आपके पास जो है वो राउंड एंड नियरली फिल्स द सेल, परसेंटेज है इनकी हाईएस्ट परसेंटेज आपको मिलेगी न्यूट्रोफिल्स की, लोएस्ट बेसोफिल्स की है। साइज अगर देखा जाए इन रिलेशन टू रेड ब्लड सेल्स, ये आपकी बुक में पेज नंबर 309 है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन है। ये रेड ब्लड सेल से बाकी तो ट्वाइस है, लेकिन ये जो है 2 to 3 टाइम्स और स्लाइटली लार्जर, यानी स्मॉलेस्ट फिर लिम्फोसाइट्स होंगे और इसमें लार्जेस्ट होते हैं एक्चुअली मोनोसाइट्स। फंक्शन इन सभी का अलग है, जैसे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, हेपरिन और हिस्टामिन। हेपरिन इसमें बेटा एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है, हिस्टामिन स्वेलिंग कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, और इओसिनोफिल्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को इनएक्टिवेट करने के साथ साथ पैरासाइट्स पे अटैक करते हैं। मोनोसाइट्स लार्जर पार्टिकल्स की फेगोसाइटोसिस और लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इस पेज पे आपकी बुक में सारी जो है वो इंफॉर्मेशन दी है जिसको यहाँ पे इस कंपैरिजन चार्ट में हमने डिस्कस किया, और ये साथ इनकी शेप्स जो है वाइट
व्हाइट ब्लड सेल्स की सारी गिवन है, प्लस प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स के हवाले से हमने कल डिस्कशन कर ली थी। ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। ह्यूमन हार्ट के हवाले से बेटा ये पोर्शन है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जो हमने बातें डिस्कस की है, इससे रिलेटेड अगर कोई बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं।